आपने आज तक अपराधी आम लोगों को किसी जज के सामने कोर्ट में पेश होते तो देखा सुना होगा, लेकिन बिहार में एक ऐसी भी घटना घटी है जिसमें एक विषैले सांप को जज के सामने पेश किया गया। घटना बेगूसराय की है, जहां लोगों ने जब तक एक दुर्लभ प्रजाति के सांप को देखा तो वो हैरान रह गए। इस सांप के दो मुंह दिखे और फिर विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव को ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। सांप को जज के सामने पेश किया गया और फिर वन विभाग को सौंपा गया। दुर्लभ प्रजाति का दो मुंह वाला रेड सैंड बोआ सांप खतरनाक होने के साथ ही बेहद महंगा भी है। इस सांप की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 25 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। जैसा कि इसके नाम रेड सैंड बोआ से ही जाहिर है कि रेगिस्तानी इलाकों में ज्यादातर पाया जाता है। भारत में ये सांप अधिकतर राजस्थान के रेतीले हिस्सों में देखा जाता है। अब अगर ये सांप बिहार के नम मौसम में दिख जाए तो हैरानी तो बढ़ना लाजमी है। वही प्राधिकार के सचिव श्री झा ने बताया कि इस तरह के सांप की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है, हालांकि मेडिकल साइंस ने पुष्टि नहीं की है। कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सांप की कीमत करोड़ों में बताई जाती है। बताया जा रहा है कि सांप लगभग 2.5 फीट लंबा था और गेहुआ रंग के सांप की चीन जैसे देशों में मांग काफी ज्यादा है। तांत्रिक और तस्करों को इस सांप की खोज रहती है। इस सांप की दवाई से अलग अलग दावे वाले अफवाह भी सामने आते रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है कि इसके सेवन से कोमतोजक गुण भी बढ़ता है।